हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट वर्ल्ड बैंक एंड IMF। ओके, सो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि IMF और वर्ल्ड बैंक जो है उनको हम ट्विन ऑर्गेनाइजेशन या फिर सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। ऐसा इसलिए बिकॉज वो दोनों एक ही कॉन्फ्रेंस में ईजाद की गई थी, ठीक है। बट उन दोनों में डिफरेंस क्या, एक वर्ल्ड बैंक है और एक इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, ठीक है। एक बैंक है और एक फंड है, तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो अगर हम वर्ल्ड बैंक का बात करते हैं तो द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD इज द अदर नेम ऑफ द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन जाता है कि इसका दूसरा नाम क्या है, विच इज़ द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ओके, अब इसके नाम को अगर हम थोड़ा तोड़फोड़ करके देखते हैं तो हम देखते हैं एक तो वर्ड आ रहा है इंटरनेशनल बैंक, तो ये चीज़ तो ठीक है, हमें प्रूफ हो गई कि इंडिया से ऊपर लेवल की चीज़ है ये, ठीक है। अब इसके आगे देखिए रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक भी लिखा है, तो रिकंस्ट्रक्शन किस बात का, मतलब पहले कंस्ट्रक्शन फिर रिकंस्ट्रक्शन हुआ, रिकंस्ट्रक्शन किस बात का। तो देखिए ये सबसे इसका इंपॉर्टेंट लॉजिक है कि एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद क्या हो गया था, काफ़ी तोड़फोड़ हो गई थी पूरी दुनिया में और काफ़ी लोगों को, काफ़ी कंट्रीज़ को इवन बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक उस टाइम आया और उसने डिसाइड किया कि वो कंट्रीज़ की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो मतलब वर्ल्ड वॉर से ख़राब हो गई है, वो उसको वापस लेके आएगा। ओके, तो इसी चक्कर में इसका नाम रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, पहले इसने रिकंस्ट्रक्ट किया जो तोड़फोड़ हुई थी वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे, उसको इसने रिकंस्ट्रक्ट किया, उसमें इसने पैसे डाले ताकि सब वापस सही हो जाए, और उसके बाद इसने अब ये डेवलपमेंट का काम करता है, अब ये डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी फंड देता है या जो भी फाइनेंशियल हेल्प है वो करता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक है। ओके, तो वर्ल्ड बैंक का जो मेन एम था वो पॉवर्टी रिड्यूस करना, ऑब्वियसली कोई भी बैंक है तो वो पैसे देगा और पैसे देगा तो पॉवर्टी रिड्यूस होगी, तो वर्ल्ड बैंक का भी यही काम था कि ये पैसे पॉवर्टी को रिड्यूस करने का काम इसका मेन मोटो था। उसके अलावा जो भी मेंबर कंट्रीज है उसको सस्टेनेबली इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना भी इसका मेन पर्पज़ था, ठीक है। इसके अलावा जो हमने इसके हेडक्वार्टर्स वगैरह देख लेते हैं, तो इसका और IMF दोनों का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। इसके अलावा जो इनके अभी करंट प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट है वो है डेविड मालपास, ओके, और ये फाउंड किया गया था जुलाई 1944 में। और इसके अलावा जो इसके मेंबर्स हैं करंटली वो 189 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो मतलब 189 कंट्रीज़ जो हैं वो इसकी मेंबर्स हैं, ठीक है। और ये फाइनेंस भी सब लोग मिलजुल के अपना फाइनेंस कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि ये एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ट्विन सिस्टर है किसकी, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की। तो उसमें भी इसका जो कॉन्फ्रेंस का नाम था जिसकी वजह से इन दोनों को ट्विन सिस्टर कहा जाता है वो है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि इनको ट्विन सिस्टर कहते हैं, मतलब ऐसा भी पूछ सकते हैं वर्ल्ड बैंक का ट्विन सिस्टर किसे कहते हैं, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि किस कॉन्फ्रेंस के, तो आप उसने ये ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस इसका नाम दे देंगे, ओके। इसके अलावा जो इसका प्रेसिडेंट होता है वो माना जाता है कि हमेशा अमेरिकन ही रहा है और अमेरिकन ही रहता है जनरली भी, अभी भी जो मैंने आपको नाम बताए थे वो भी अमेरिका के ही थे और ट्रेडिशनली इनका यही ट्रेडिशनली अमेरिका से ही इनका जो प्रेसिडेंट है वो रहता है, ठीक है, जो कि मैंने बताया थे डेविड मालपास है, ठीक है। इसके अलावा जो करंट मेंबर्स हैं उनमें 189 तो IBRD के हैं, IBRD का फुल फॉर्म मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और 173 हैं IDA के, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक जैसे हम लोगों का भी कोई व्हाट्सएप ग्रुप होता है, ठीक है, तो मान लीजिए कि आप 5 दोस्त हैं, ठीक है, एक है डॉक्टर, एक है इंजीनियर, एक है एग्रीकल्चरिस्ट, एक है, ठीक है, तो ऐसे आप अलग अलग फील्ड से, मान लीजिए एक है CA और ऐसे करके आप 4 लोग हैं अलग अलग फील्ड से, ठीक है, आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया और आप चारों आप उसमें एडेड हैं, ठीक है, तो आप चारों ही उसके पार्ट हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो प्रीवियसली आप स्कूलमेट्स होंगे या कुछ भी, तो आपका प्रीवियस जो बैकग्राउंड है वो सेम था, बट अब आप क्या हैं, अब आप फाइनेंशियली एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई एग्रीकल्चरिस्ट, कोई CA, तो सबकी फाइनेंशियल और लीगली सब एक दूसरे से अलग अलग हैं, बट आप लोग एक ग्रुप में साथ हैं। वैसे ही वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक का भी एक ग्रुप है जिसको वर्ल्ड बैंक ग्रुप ही बोला जाता है,
और इसमें भी मतलब कुछ ऐसी बॉडीज हैं जो लीगली और फाइनेंशियली एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है. ऐसा नहीं कि वो वर्ल्ड बैंक से ही लोन लेती है या वहीं से उनको पैसा आता है इसलिए वो ग्रुप में है. वो है इंडिपेंडेंट बट वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है, जैसे कि IBRD, IDA, IFC एंड MIGA. ओके, तो ये सब मिलके वर्ल्ड बैंक ग्रुप भी बना देती हैं. इसके अलावा अगर हम इसका ऑब्जेक्टिव यहाँ देख लेते हैं तो प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल टू मेंबर नेशन. ठीक है, जितने भी मेंबर्स को पैसे चाहिए होते हैं ये उनको लॉन्ग टर्म के लिए प्रोवाइड करती है. ठीक है, बैलेंस इंटरनेशनल ट्रेड, ये इंटरनेशनल ट्रेड को भी बैलेंस करती है. प्रोवाइड गारंटीज, मतलब ये गारंटी देती है कि हाँ हम आपका पैसा लेके कहीं भागेंगे नहीं या हम आपको गारंटेडली आपका हेल्प करेंगे, क्योंकि ये चाहता है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा इंप्लीमेंट हो. जैसे हमारा इंडिया जो डेवलपिंग कंट्री है या ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहाँ ऐसे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो जाए जिससे उनको बार बार पैसे मांगने का ज़रूरत ना पड़े. ठीक है, तो ये वो भी करता है. इसके अलावा कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स पर भी ये गारंटी प्रोवाइड करता है. ठीक है, अगर आप उसमें अपना कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे तो भी उसकी भी गारंटी रहेगी, वो ये भी प्रोवाइड करता है. ठीक है, पर्पस, सीधा सा पर्पस है इसका, इम्प्रूव एटॉमिक स्टेबिलिटी बाय रिड्यूसिंग पॉवर्टी. ठीक है, जितने भी साइंस के स्टूडेंट हैं वो इस टर्म को अच्छे से जानते हैं, एटम्स क्या होता है. ठीक है, एटम सबसे छोटा पार्ट होता है इस पूरे वर्ल्ड का. ठीक है, अगर हमें कोई सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बोलनी हो तो हम एटम ही बोलेंगे. ठीक है, और सभी साइंस के स्टूडेंट्स को ये बात भी अच्छे से पता होगी कि एटम अपनी जगह पर वाइब्रेट करता है. ओके, और जब वो वाइब्रेट करता है तो क्या होती है एनर्जी. अगर आप सारे एटम्स वाइब्रेट करेंगे तो ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और एनर्जी प्रोड्यूस होके वो कहीं तो एनर्जी निकलेगी तो वो बर्स्ट हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट. तो वहीं इसको रिलेट किया जा रहा है. देखिए, आप थोड़ा रिलेट करके पढ़िए, साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो ईजिली रिलेट कर पाएंगे, वरना मैंने आपको मतलब समझा ही दिया है. तो इसको एटॉमिक स्टेबिलिटी बाय रिड्यूसिंग पॉवर्टी. ठीक है, स्टेबिलिटी तभी अटेन होती है जब एनर्जी कम हो. ठीक है, अगर एनर्जी कम है तो वो ज़्यादा स्टेबल रहता है. ठीक है, तो अगर हम एटॉमिक स्टेबिलिटी अटेन कर लेते हैं कैसे, पॉवर्टी को रिड्यूस करके. ठीक है, हम गरीबी हटा देंगे तो हमारी सब एटॉमिक स्टेबिलिटी आ जाएगी. इसके अलावा अचीविंग सस्टेनेबल ग्रोथ. ठीक है, पॉइंट में समझा चुकी है. इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर जॉब्स एंड बिजनेस इन डेवलपिंग कंट्रीज, ये चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स या बिजनेस खुले डेवलपिंग कंट्रीज़ में, ताकि उनको कहीं इधर उधर पैसों की मांग करने की ज़रूरत ना पड़े. ठीक है, इसके अलावा स्ट्रेंथनिंग गवर्नमेंट बाय प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर इरीगेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ या एजुकेशन. ठीक है, वो सब भी ये गवर्नमेंट को, क्योंकि ऑब्वियसली अब इंडिया से बाहर की बात हो गई है तो इंडिया के पास भी, अगर RBI के पास भी पैसा नहीं है तो वो कहाँ जाएगी, वो वर्ल्ड बैंक से मांगेंगी आपको इरीगेशन या आपको एग्रीकल्चर, आपको हेल्थ, आपको एजुकेशन, किसी के भी रिगार्डिंग लोन्स चाहिए तो ये वो सब भी प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट, अगर हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का बात करें तो पहली बात तो ये फंड है, ओके, ये बैंक है नहीं. ठीक है, सेकंड चीज़, ये ट्विन सिस्टर है किसका, वर्ल्ड बैंक का. ठीक है, इसके अलावा इसमें 190 मेंबर्स हैं, मतलब मेंबर कंट्रीज. एस्टैब्लिशमेंट 1945 में हुआ था और ये वर्किंग करना स्टार्ट कर दिया था इसने मार्च 1947 में. ओके, जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ तब इसने स्टार्ट कर दिया था वर्क करना. ओके, आप इसका ऐसे याद कर सकते हैं. इसके अलावा आपको इसका ऑब्जेक्टिव मैं बता दूं तो फास्टर ग्लोबल मॉनेटरी कॉपरेशन है ये, सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड. ठीक है, प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट, रिड्यूस पॉवर्टी. इनका भी मतलब अगर फंडिंग है तो ऑब्वियसली पॉवर्टी रिड्यूस करना और ये सब तो इनका मेन फंक्शन है ही. इसके अलावा ये वर्ल्ड बैंक से ऐसे अलग है बिकॉज वर्ल्ड बैंक जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है, जबकि ये शॉर्ट टर्म के लिए. इसके फंक्शन है कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करता है, इसको शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन भी बोला जाता है. ठीक है, इसके अलावा ये इसको रिजर्वायर ऑफ करेंसी ऑफ ऑल द मेंबर कंट्री, सारी मेंबर कंट्री अपनी करेंसी वहाँ रख सकते हैं. ठीक है, और इसके अलावा आपको पता है ये फंडिंग इंस्टीट्यूट है तो ये फंड करता है किसी को. इंडिया भी इसका मेंबर रहा है. ओके, और इंडिया भी मतलब जैसे आपको पता है 1991 में इंडिया में इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गया था. ओके, सभी को वो चीज़ पता होगी. और वहाँ पे भी हमें किसने हेल्प किया था, वहाँ पे हमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ही हेल्प किया था. ठीक है, तो ये इंडिया को भी हेल्प करता आया है. और ऑल दो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अपनी रखता है, बट स्टिल इसने हमको 1991 जो हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था उसमें हेल्प किया था. ओके, और इसके अलावा ये तो छोटा सा ही टॉपिक था. इसके अलावा अगर हम इसको शॉर्ट में समझना चाहें तो जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक्स होते हैं ओवर द कमर्शियल बैंक्स. ओके,
तो वैसे ही हमारी जितने भी कंट्री मेंबर्स हैं उनका कोई अगर सेंट्रल बैंक है तो वो हम इसको IMF बोलेंगे। नेशनल मॉनेटरी फंड कुछ भी अलग नहीं है, ये ऑल दो सिमिलरली काम करता है, बट वहाँ वर्ल्ड बैंक ज़्यादा रिकंस्ट्रक्शन पे काम करने लगा था, और यहाँ पे क्या हुआ, इसने ट्रेडिंग और इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया था। इसके अलावा जो इंटरनेशनल कंसल्टेशन होते हैं वो भी ये प्रोवाइड करता है IMF, और मतलब एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट आप इसे देख सकते हैं, जबकि वर्ल्ड बैंक जो था वो थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्शन को लेके वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो हो गया था डिस्ट्रॉय, उसको मेंटेन करने में ज़्यादा हेल्प करता है। बाकी ऑलमोस्ट पॉवर्टी ही दोनों का मेन पर्पस है, ठीक है, सस्टेनेबल ग्रोथ वो ही दोनों का मेन पर्पस है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही काम करते हैं, बट एक फंडिंग है एक बैंक है, तो आप इसमें अच्छे से डिफरेंस याद रखिएगा। और आई होप आपको अच्छे समझ आया होगा, मुझे प्रॉब्लम हो कोई भी तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।